जीआरटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस एक्सेस की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? रिपोर्ट। एमएस एक्सेस में कैसे रिपोर्ट तैयार करते हैं और बाकी चीजें भी, ठीक है? कैसे फॉर्म पे रिपोर्ट देने से हम लोग टाइम लगाएंगे, कैसे लोगो लगाएंगे, ये सारी चीजें, ठीक है? चलिए विंडो आर एमएस एक्सेस। ये ना आपका आ जाइए क्रिएट में और यहाँ पे आ जाइए। आज हमको पढ़ना है रिपोर्ट तैयार कर। क्या करना है? रिपोर्ट तैयार, ठीक है? रिपोर्ट विजर्ड पे, ठीक है? अब कह रहा कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। विच फील्ड डू यू वांट टू रिपोर्ट, किस फील्ड को आप रिपोर्ट करना चाहते हैं? यू कैन चूज फ्रॉम योर टेबल क्वेरी, अपने टेबल से आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस क्वेरी को आप करना चाहते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप यहाँ पे टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, किस टेबल पर करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेबल का नाम दिखाएगा, किस टेबल पर करना है? जीआईटी की जीआईटी 1। जीआईटी को अब जीआईटी 1 में जितने भी फील्ड हैं सारे फील्ड का नाम आ गया। क्या क्या फील्ड है? एम्प्लाई आईडी, एम्प्लाई नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जेंडर है, डिग्रेशन है, फोटो फोटो है, उसके बाद क्या है और भी सारी चीजें, बस इतनी चीजें हैं। कुछ चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है वो ले लीजिए। पहला है एम्प्लाई आईडी, एम्प्लाई नेम, और उसके बाद एड्रेस, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेजिग्नेशन, बस हो गया। और क्या कर देंगे, जितनी रिक्वायरमेंट आप ले लीजिए। हाँ कहाँ है, ठीक है, कोई दिक्कत? और क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर। अब मैं पूछेगा डू यू वांट टू एनी ग्रुपिंग, क्या इनके बीच कोई ग्रुपिंग करना चाहते हैं? नहीं, हमको कोई ग्रुपिंग नहीं करना भाई। क्या कर देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक। यहाँ पूछेगा ऑर्डर कैसा रहेगा, असेंडिंग ऑर्डर ही रहेगा, कोई दिक्कत। इसके भी यहाँ पे जो भी है ऑर्डर ले सकते हैं। पूछेगा लेआउट कैसा रहेगा, कॉल नंबर, टेबुलर या जस्ट फाइल। टेबुलर बाय डिफॉल्ट सही है, ओरिएंटेशन भी पोर्ट्रेट रहेगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ एक चीज और आ सकते हैं, यहाँ प्रियोरिटी वाली चीज पूछता है। यहाँ पे प्रियोरिटी किसको देना चाहते हैं, ये सारी चीजें पूछी जाती है। यहाँ पे किसको प्रियोरिटी देना चाहते हैं वो आप प्रियोरिटी भी दे सकते हैं। यहाँ प्रियोरिटी किसको देना चाहते हैं, एम्प्लाई आईडी को प्रियोरिटी देना, देखिए प्रियोरिटी एम्प्लाई आईडी को प्रियोरिटी देना चाहते हैं। जैसे मेन क्या होता है, एम्प्लाई आईडी प्रियोरिटी को नहीं दे दी, प्रियोरिटी का मतलब समझ रहे हैं, उसका महत्व उनको ज्यादा दिया जाता है। प्रियोरिटी दे दी और नेक्स्ट कर दिया, नेक्स्ट कर दिया और बाकी नेक्स्ट करके क्या कर दिए। कुछ प्रीव्यू देखना है कि मॉडिफाई करना है रिसर्च, तो प्रीव्यू मत देखिए, प्रीव्यू देखना, प्रीव्यू दे सकते हैं, पहले प्रीव्यू दिखाएगा, लेकिन नहीं हमको मॉडिफाई करना अपने हिसाब से और फिनिश करिए, कुछ ऐसा कुछ होगा। कुल क्या कहना, कुल क्या कहना, देखिए एक नया चीज आ गया। कल फॉर्म आया था, पहले टेबल था, फॉर्म आया था, अब क्या आ गया, रिपोर्ट आ गया। अच्छा इसका व्यू चेंज करिए ना, व्यू देखिए कितना दूर दूर आ रहा है ना, एम्प्लाई नेम, एड्रेस, बहुत दूर दूर नहीं आ रहा है, ये ऊपर नीचे करना पड़ेगा ये सब, ठीक है ना? तो एक काम कर सकते हैं, इसको वापस इस पे आ जाइए और डाटा शीट व्यू पे, इस पे डाटा शीट रिवीजन व्यू पर, रिवीजन व्यू पे, डिजाइन व्यू पे आने के बाद सबसे पहले तो आप इसकी साइज जो बड़ा बड़ा दिख रहा है तो क्या करिए, क्या करिए, ठीक है, पास करिए, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मोबाइल नंबर को भी क्या करेंगे, जेंडर, डिग्नेशन जो भी सेट करना है आपको, ठीक है, ले लीजिए, ठीक है, देख रहे हैं ना, सब एडजस्ट करिएगा। सबसे पहले थोड़ा नीचे आइए और पेज को क्या कर लीजिएगा, छोटा कर लीजिए यहाँ से, ठीक है? पेज आने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, इसको फिर से शो करा के दिखा लीजिएगा, ये तो इसमें ये भी आता रहेगा, आ गए, ओके, ठीक है। अभी बहुत बड़ा बड़ा दिखा रहा है ना, बहुत दूर दूर दिखा रहा है, ठीक है, व्यू चेंज कर लीजिए पहले, लेआउट व्यू, लेआउट से भी चेंज कर सकते हैं, देखिएगा। अरे यार देखिए लेआउट से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी है थोड़ा सा इसको क्या करेंगे और सेट कर लेंगे, थोड़ा छोटा कर लीजिएगा जो भी होगा,
रहा ना, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या करो, देख रहे ना, अपने हिसाब से यहां से भी छोटा कर सकते, यहां से जो भी करना है और सेव करते भैया, से देखना प्रिंट प्रिव्यू है, प्रिंट करने के लिए देखिएगा, ये प्रिंट प्रिव्यू है, देख रहा है ना, देख रहा है ना, और सबका नाम दिखाया गया इसमें, राहुल, बाकी तीसरा सत्यम, देख रहे हैं, चौथा सबका दिखा रहा है, चार ही लोग का बनाए थे हम लोग, वापस चलिए उसी में, ठीक है भाई, देखिए हाँ सही है, सब ठीक, कोई चीज नहीं है जो सेम ना, क्लोज करिए भी, आ जाइए वापस, डिजाइन भी यहाँ आने के बाद, इसको छोटा कर दीजिए, देख रहा हूँ ना, तो छोटा कर दो भाई, देख रहे फोटो बहुत बड़ा दिखा रहा है, सब देख रहे हो ना फोटो, तो क्या कर लोगे, थोड़ा छोटा कर ले, बहुत बड़ा डेढ़ा दिखा रहा है बड़ा, देखिए ऐसे सब एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत बड़ा बड़ा दिख गया है, जब तक एडजस्टमेंट नहीं होगा तब तक प्रॉपरली देखा आएगा नहीं, ये आइडिया की बहुत दूर चला गया है, देख रहे हैं ना, ये सब जो भी बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा, देख रहा है ना, इधर चलाते हैं, ठीक है, अब इसको क्या कर दिए, देख फिर से वापस से क्या कर दिए, सेव कर दिए, सेव करने के बाद क्या करें, व्यू चेंज करिए, होम में आ गए, व्यू में आ गए, बढ़िया सबका आ गया ना, सब सेट हो गया, और ऐसे करिए, ऐसे दूसरे का आ गया, तीसरे का सत्यम का आ गया, चौथे का आ गया, चार लोग बनाए ही थे हम लोग, चलो पांचवा कोई डाले थे पर कुछ किए नहीं थे, देखिए पांचवा लिस्ट आ गया नहीं थी वालों, तो ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आप कहीं से भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इस व्यू से भी कर सकते हैं, रिपोर्ट रिव्यू व्यू से, तो मान रिपोर्ट दिखेगा, प्रिंट रिव्यू से, लेआउट व्यू से भी कर सकते हैं, लेआउट भी रख सकते हैं, कैसा लेआउट रख रहा है आपको, देखिए यहाँ से भी लेआउट चेंज कर सकते हैं आप, जैसा चेंज करना है आपको, ठीक है ना, घटा बढ़ा के जो भी कर सकते, और यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ लाइट से भी कर सकते हैं, क्या हुआ, जाओ तुम ही बंद कर दो उन्हीं को, क्या हुआ, नहीं जा रहे हैं, जा रहे हैं, खुद कर लीजिए, जानता है जा, राहुल जाओ तुम भी चले जाओ, पता एक काम कर,
कर दो भाई, सब जानता है राहुल। हाँ आ जाओ, देखिए अपने हिसाब से सब चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत ठीक है। डिजाइन में आ जाइए, आप चाहते हैं लोगो वगैरह लगाना, लोगो जब समझ रहे हैं ना, फोटो होता है लोगो मतलब, तो फोटो वगैरह चाहते हैं तो लोगो भी लगा सकते हैं। वैसे आप लोगो पे क्लिक करेंगे, पूछेगा लोगो कहाँ है, तो लोगो आपके पास पहले ही से होना चाहिए ठीक है। तो हमारे पास पिक्चर्स में होगा लोगो, वही वाला GIT वाला रखे हैं इसको, ठीक है लोगो लग गया, जैसा चाहिए आप उसके हिसाब से एक्सपेंड कर लीजिए ठीक है। हो गया लोगो लग गया, और क्या लगाना चाहते हैं, टाइटल देना चाहते हैं, क्लिक करिए टाइटल पर, GIT 1 ही कुछ और मैंने लिख दिया नहीं, गायत्री ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद से और भी कुछ देना चाहते हैं, डेट एंड टाइम भी, तो हाँ डेट एंड टाइम पूछा, कैसा फॉर्मेट चाहिए डेट एंड टाइम का, तो टाइम भी चाहिए और डेट भी चाहिए, तो फॉर्मेट डेट, डेट का फॉर्मेट ले लिया, चलो यही ले लेते हैं दोनों, ट्यूजडे और यही, ओके कर लेते हैं। देखो डेट एंड टाइम का फॉर्मेट आ गया, लेकिन काफी बड़ा आया होगा, बहुत बड़ा आया होगा, कारण क्या है कि ये साइज थोड़ी सी, और टाइम का भी आया है, टाइम को भी उठा के ठीक रहा ना। स्पेस मेंटेन कर लीजिएगा ठीक है। अब देखिए इसको शो कराना है तो कैसे करेंगे, फिर से क्या कर देंगे, सेव कर देंगे, सेव करने के बाद व्यू पे आएंगे और रिपोर्ट देखेंगे। तो आपको GIT दिख रहा है, लोगो दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है ना, 4:26 मिनट 36 सेकंड सब दिख रहा है, आपका फॉर्म बन गया यार, यही आज की क्लास में आपको पढ़ पढ़ोगे हो, आसान है कि नहीं आसान तो सेव करेंगे। ये रिपोर्ट बनाना है आज की क्लास में आपको, क्या बनाना है, रिपोर्ट बनाना, फिर से वापस आएगा, जो भी दिक्कत लग रही होगी, जो चीजें आपको पहले से उसको डिजाइन व्यू में आकर उसको सही करते रहेंगे आपको, ये पहले से भी है, हो गया हट गया। अब देखिए इसको फिर से सेव कर लीजिए, अब सही जाएगा प्रॉपरली। अब सही जाएगा, तो हमारा रिपोर्ट भी तैयार हो गया, तैयार बस ये मैं आईडी लेकर ले लोचा हो रहा है, मैं आईडी यहाँ चला जा रहा है, तो आप उसको भी थोड़ा सा सही करने की कोशिश करिए, चलिए आइए देखा जाए, करते हैं हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ईमेल आईडी वाला एक लोचा आ रहा है यार, तो ईमेल आईडी को क्यों ना यहाँ लेते आ जाए, क्यों ईमेल आईडी जो यहाँ दिक्कत हो रही है, ठीक कंट्रोल जेड ये था ना, अगले पेज में शिफ्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं अगर हो जाए तो ठीक, अगले पेज में शिफ्ट हो जा रहा है, यही एडजस्ट करिए, देखते हैं होता है प्रीव्यू चेक करना, इस पहले प्रीव्यू चेक रिपोर्ट चेक देख लो, चलिए ठीक है रहने दीजिए इतना ठीक है, कर लेंगे ना आप लोग, देखिए टाइम बदल रहा था, टाइम यहाँ बदल रहा है, जो भी था अभी इसी पे सेव कर दिया आप लोग, 4:28 29 पे 29 हो रहा है ना, अब देखिए इस पे आइए डिजाइन पे, अब फिर से आइए इस पे, अभी 29 हो जाएगा हमारा भी, देख रहे ना सब दिखाएगा टाइम। तो आज की क्लास में आपको क्या करना है, 3 चीजें करना है, पहले तो रिपोर्ट क्लियर करना है, कहाँ से जाके लिखना चाहते लिख सकते हैं आप लोग, क्रिएट में जाना है,
और रिपोर्ट वी आर पे क्लिक करना है। लिख लीजिए आप लोग, नहीं तो हेडिंग बना लीजिए कि हाउ टू क्रिएट ए रिपोर्ट इन एम एक्स एक्सेस। हाउ टू क्रिएट ए रिपोर्ट इन एम एक्स एक्सेस। हो गया, कैसे रिपोर्ट तैयार करेंगे? क्रिएट में जाना है और रिपोर्ट विजर्ड में जाना है। रिपोर्ट विजर्ड, रिपोर्ट विजर्ड। ठीक है, रिपोर्ट विजेट में जाने के बाद क्या करना है? रिपोर्ट विजेट पे क्लिक करना है। इसको बंद कर देना, क्लोज कर दे इसको पहले। अब देखिए इसको भी क्लोज कर लेना। कहाँ जाना है? क्रिएट रिपोर्ट विजेट पे। रिपोर्ट विजेट पे जाने के बाद से सबसे पहले आपको किस टेबल का रिपोर्ट तैयार करना है पहले वो सिलेक्ट करेंगे। देख लीजिएगा किस टेबल का आपको रिपोर्ट तैयार करना है पहले हम वो सिलेक्ट, कौन सा टेबल का हमें रिपोर्ट तैयार करना है। तो पहले टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा टेबल। हो गया, हाँ कौन सा टेबल। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या सिलेक्ट करेंगे, उस पर लिख लीजिएगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद से आप फील्ड को सिलेक्ट करेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? फील्ड को, जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है। फील्ड को सिलेक्ट करेंगे जो फील्ड की रिक्वायरमेंट। क्या चलिए सामने कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक। क्लिक कर लिए, अब क्या करेंगे बच्चों? नेक्स्ट करें। अब यहाँ किसको प्रियोरिटी देना है? किसको प्रियोरिटी देना है? प्रायोरिटी क्या करेंगे? प्रायोरिटी अब क्या करेंगे? नेक्स्ट। अब यहाँ कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। यहाँ कुछ नहीं करना, नेक्स्ट। और यहाँ क्या करेंगे? प्रीव्यू की रिमॉडिफाई। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे अपना काम कर लीजिए, इसको एडजस्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। एडजस्ट कर लेंगे ना, एडजस्ट करना है। प्लस इसी में डिजाइन में ही क्या क्या लगाना है? लोगो लगाना है, टाइटल लगाना है और डेट एंड टाइम लगाना है। बस लिख लीजिए। बच्चों तो उसके बाद से आप लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो इंसर्ट हो जाएगा, लोगो वाला सेक्शन खुल जाएगा। और टाइटल, तो टाइटल जो जो फॉर्म को, जो भी रिपोर्ट को जो टाइटल देना चाहते हैं, और डेट एंड टाइम तो डेट एंड टाइम। ठीक है, कर लेंगे ना? तो यही आज की क्लास में आपको काम। ठीक है, थैंक यू क्लास।